मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे कापुर बावड़ी पुलिस ने 350 किलो गांजा बरामद किया है और एक आरोपी विकास प्रेम शंकर चौबे को गिरफ्तार किया है। बड़े पैमाने पर ये लोग गांजे की तस्करी करते थे। इसके पहले भी पुलिस ने 110 किलो गांजा मिल्क वैन से पकड़ा था, जिसमें आरोपी अंबरलाल जगदीश जाट को गिरफ्तार किया गया था और उसी से पूछताछ के बाद पुलिस ने विकास प्रेम शंकर चौबे के गोदाम पर छापेमारी की और जिसके पास से 350 किलो गांजा बरामद किया गया है। दोनों आरोपी भिवंडी के ही रहने वाले हैं और ये दूसरे राज्यों से बड़े पैमाने पर गांजा लाकर भिवंडी ठाणे के शहरों में सप्लाई किया करते थे, मगर पुलिस ने बताया है कि दोनों अब सलाखों के पीछे हैं और 350 किलो गांजा मोबाइल बरामद किया गया है, जिसकी कुल कीमत 35,03,350 रुपये बताई जा रही है। 8 जुलाई के दिन हम क्राइम ब्रांच यूनिट पास में जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके तहत हम लोगों ने इसके पहले 110 किलो गांजा या अमली पदार्थ पकड़ा था, उसमें एक आरोपी को हम लोगों ने अरेस्ट किया था। इसकी छानबीन में आगे इन्वेस्टिगेशन करने में हमको और उनका एक साथीदार मिला है जिसका नाम विकास प्रेम शंकर चौबे उर्फ बड़ा छोटा पंडित है। इनका एक हेड हाउस था, एक गोडाउन था जहाँ पे ये गांजा आंध्र प्रदेश इलाके यहाँ पे छुपा के रखते थे और यहाँ से ये ठाणा और आजू बाजू के परिसर में ये वितरित करते थे। ये गोडाउन में से हमको और 35 गोनी में से 350 किलो मनी बैग में 350 किलो गांजा और मिला है। अभी एक केस में आज तक हमको 460 किलो गांजा हमको मिला है और इसमें और भी कुछ लोग हैं जैसे करण गोस्वामी है, मोटा पंडित है, ऐसे लोग कुछ इसमें इन्वॉल्व है जिसको हम लोग उसकी तलाशी कर रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, उनको भी बहुत जल्दी अरेस्ट किया जाएगा और ये जो नेक्सस है उसको हम लोगों ने बस करने का पूरा ट्राई कर रहे हैं। अभी तक जो गांजा पकड़ा गया है और जो सामान पकड़ा है उसमें से 51 लाख के करीब 50 लाख के ऊपर की सामग्री हम लोगों ने जब्त की है और आगे भी कुछ मिलने की हमको आशा है।